नमस्कार। आज हम इस छोटे से लेक्चर में ये जानेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, इसके क्या पैरामीटर हैं और सरकार की क्या योजनाएं हैं हंगर को ओवरकम करने के लिए। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको ये एक ऐसा इंडेक्स है जिससे ये मेज़र किया जाता है कि ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे हंगर का क्या स्कोर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो एनजीओ रिलीज करती है वो यूरोपियन की एक एनजीओ है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे, ये एनजीओ का नाम है। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो स्कोर होता है वो 0 से 100 के बीच में होता है। 0 का मतलब है आपका स्कोर बहुत अच्छा है और 100 का मतलब है वर्स्ट स्कोर है आपका। क्यों? क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे हंगर को टैकल करने के लिए। तो 0 इज द बेस्ट स्कोर, मतलब 0 हंगर, एंड द 100 इज द वर्स्ट स्कोर। अब जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये मेज़र किया जाता है 4 पैरामीटर्स पे। कौन कौन से पैरामीटर हैं? पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब है कि जो आपकी शेयर ऑफ पॉपुलेशन है, दे आर टेकिंग इनसफिशियंट कैलोरिफिक इनटेक। चाइल्ड, फिर दूसरा कंपोनेंट है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, देयर जो उनकी हाइट है वो उनके एज के अकॉर्डिंग कम है। चाइल्ड वेस्टिंग का क्या मतलब है? चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, उनका जो वेट है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कम है, लो वेट फॉर देयर हाइट। चाइल्ड मोर्टैलिटी का क्या मतलब है? द चिल्ड्रन डाइड बिफोर कंप्लीटिंग देयर 5th बर्थडे। ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर हम मेजर करते हैं, जिनको हम यूज करके मेजर करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर किया जाता है किसी भी रीजन के लिए, तो प्रीवियस 5 ईयर का डाटा लिया जाता है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 2023 में क्या आया है? 111 आया है। कितने में से? आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और 2022 में कितना रैंक था? 107। कभी कभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कितना रैंक आया है इंडिया का, या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या स्टेप्स हैं कि वो हंगर को ओवरकम करे या टैकल करे? तो सबसे पहला है पीएम पोषण अभियान, जो मिड डे मील स्कीम था उसको पीएम पोषण से रीनेम कर दिया गया है, या फिर सरकार हर साल पीएम पोषण अभियान भी चलाती है इन एवरी फर्स्ट वीक ऑफ द सेप्टेम्बर। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जिसके तहत प्रेग्नेंट वुमेन्स को कैश ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो अपने न्यूट्रिशन लेवल का ध्यान रख सके। ईट राइट इंडिया है, फिट इंडिया है, फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अपने लेवल पे वर्क करती है। तो जब ये रिपोर्ट आई है ना अभी, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये कह रही है कि ये कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट फ्लॉड है। क्यों है? कहीं ना कहीं गलत है। उनका ये मानना है कि जब हम इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं तो फिर हंगर कहाँ से आया, और आपने इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का तो ये भी कहना है कि हमारा जो देश है ऐसा देश है जहाँ पे जब खाना बनता है तो पहली रोटी जो बनती है वो गाय को दी जाती है, तो भी आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ सीरियस कैटेगरी में हंगर है। तो ये सरकार का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्ट हैं। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट हैं? क्योंकि जो सबसे गरीब वर्ग होता है समाज का, वहाँ तक जो योजनाएँ हैं वो कहीं ना कहीं पहुँच नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है, वो थोड़ी ना रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि फलानी योजना आई है और आप जाके उसमें एनरोल कर लीजिए। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो जानेंगे नहीं कि कौन सी योजना है, उनको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिचुएशंस कॉन्ट्राडिक्ट हैं। तो ये ओवरऑल था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है।